हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब टकाटक ना? तो भाई लोग, आज हम टॉमी भाई का गेम खेलने जा रहे हैं और उसका नाम है यार, वो तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि टॉमी भाई इतना गैंगस्टर है, उसने क्या क्या नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आपको बता दूं कि यार, वाइस सिटी में हमने बहुत ही गुंडा का बहुत ही खराब जीवन जी लिया। आप कुछ नया करते हैं ना, अब पुलिस बन के कुछ इन लोगों की हेल्प कर देते हैं। बात तो सही है। चलो भाई, वाकड़ी डीजीपी सर से तो हमें परमिशन मिल गई, अभी हमें हमारी इक्विपमेंट्स लेने हैं। ओके, ए चलो हटो रे, आज तो अपन पुलिस बन के रहेगा। गाइस, ये ना गुंडा होने का एक फायदा भी है। अब आप बोलेंगे वे कैसे? हाँ तो दोस्तों, ये साला टॉमी एक नंबर का थरकी गुंडा है, इसने साला डीजीपी वाकड़े सर की छोरी को ही पटा लिया। और उसके बाद ए चल हट रे। टपा टप टपा टप टपा। तो फिर क्या दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो, हमारा टॉमी भाई सीधा पुलिस ऑफिसर बन गया। पहले टॉमी भाई गुंडा होके पुलिसों की मारता था, अब पुलिस बन के गुंडे लोगों की मारेगा। चलो भाई, अभी टॉमी भाई की गड्डी, अरे यहाँ ये रही, अभी ये गड्डी लेके हम इन सिटी में से सभी गुंडों का नायनाट करने वाले हैं। अभी हमें मासूम लोगों की जान बचानी है और लुच्चे लफंगों को उड़ाना है। उप्स सॉरी बहन जी, आज तो हमारा टॉमी भाई ससुर जी को बहुत ही जबरदस्त खुश करने वाला है। अरे भाई, मतलब खुश मतलब इस सिटी का क्राइम रेट कम करके खुश करने वाला है यार। आप तो ठेरे कुछ भी समझ रहे। ओके कोई बात नहीं, घोर कलयुग जो है साला, बस ये जेब कतरा ना मुझे मिल जाए। हाँ, यही दिख रहा है, ये ले, इसको तो अभी मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा। रुक बेटा, अरे थाम तो सड़ी जा, कुटा पड़ते। ए चिमने, थाम गा तू भी, क्या बे साले गुंडे मवाली, उठ है, चोरी करता है भोसड़ी का। हाँ साली कुतिया, मुझसे जवान लड़ा गई पुलिस ऑफिसर से, चल उठ। चल हाँ चल, ओके कुछ भी हो, पहले गाड़ी में बैठो। अबे ओए सारे चादर मोज जेब कतरे, अब तुझे का स्पेशल परमिशन देनी होगी क्या? चल बैठ जल्दी गाड़ी में। हाँ हाँ आया साहब। वैसे साहब, हमें कहाँ ले जाओगे? बेटा गुड क्वेश्चन, तुम्हें ना बेटा अभी हम फाइव स्टार होटल में लेके जा रहे हैं। भोसड़ी जा, चोरी करताना पकड़ला गेला तर तुला जेल मध्येच घेऊन जाईल ना। चलो हरामखोर, काही प्रश्न विचारतो। ओ भाई साहब, अभी इतनी जल्दी सेकंड मिशन भी मिल गया हमें, ठीक है। अभी साला ये जेब कतरा है या जेब कतरी है या क्या गड्डी में हो साला, अभी ये तो थोड़ा रिस्क लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास तो देसी कट्टा है, ज्यादा शान पट्टी दिखाए ना तो सीधा ठोक दूंगा साले को, एस साली को। ओ, वैसे दोस्तों, आप उनकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है बताओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताना। वैसे ड्राइविंग तो सुपर कर लेता हूँ ना मैं। ओ भाई साहब ये लो, माय गॉड, ये अपराधी तो साला गड्डी में। ओ भाई साहब, इसकी गड्डी थोड़ी हेवी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं ना यार। इधर टॉमी भाई अपन का ये, ओ भाई इसके पास तो हथियार थे, वो तो अच्छा हुआ उसकी मेरे पास भी देसी कट्टा था, नहीं तो बस ये तो अपन की बैंड ही बजा देते। दे माई, दे दे इस गरीब बिचारी बेटी को कुछ दे दो भैया जी। ओए पगले, अभी चल सुट्टे नहीं। भोसड़ी के संभाल के। ए भोसड़ी चल बाजू सरक, चल ए ए चादर मो, चल गाड़ी बस। अरे भाई याला बघून तर मला माझी स्वतःचीच आठवण झाली। पोलीस स्टेशन के पास दोस्तों हम ऐसे ही क्राइम करते थे। साला, अरे भाई आज तो ये जबरदस्त ड्यूटी है, आज तो ये जान लेके रहेंगे यार मेरी तो।
चलो भाई अभी थर्ड केस कौन सा है देखते है। अभी मैं इधर से ना सीधा शॉर्टकट मारता हूँ। हाँ वो क्या है गड्ढे को कुछ हुआ था अपन को क्या करने का दोस्तों गवर्नमेंट की गड्ढी। अरे यार इतना कम समय और उसमें इसको पकड़ना यार लगता है ये भी गड्ढे पे ही होगा। हाँ भाई साहब ये रहा हमारा टारगेट। ए रुक जाओ बे बेंचो। अरे यार इन्होंने तो गाड़ी की पूरी गांड मार लिया। हवालदार काय तोंडे त्याला चिकडून अडवा मी तिकडे जातो। ठीक है सर ऑल द बेस्ट। अबे यार कितना भागेगा बे चादर मोतू। ये टॉमी भाई के हाथों तो कभी आना ही तेरे को। काय को क्राइम करते है यार ये लोग। अरे सर ये पापी पेट का सवाल है ना। अरे यार तो फिर मेहनत करने की ना इस चोरी चबाड़ी बहुत ही गलत काम है रे। आइला अबे ये कौन तू बता रहा है क्या मुझे साला वो पुलिस ऑफिसर की चोरी को क्या पटा लिया खुद को बहुत ही स्मार्ट का समझ रहा है। देख मुन्ना अभी तू एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुझे इधर ही ठोक दूंगा। चल भोसड़ी चा बस बैठ गाड़ी में बैठ। चल वे मुझे नहीं बैठना तेरी पुलिस गड्ढे में क्या उखाड़ लेगा बे तू। ओ दिखा देना बेटा तेरी औकात तूने। चल अभी ये ले पट्टा सा यार शॉट। यार वॉइस मुझे दिल दे बेटी मैं क्या करूंगा मैं तो रहा सख्त लौंडा एक तरफा प्यार था वो क्या करूं ऊपर वाले ने मुझे इतना हैंडसम जो बनाया है। उप्स गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कैदियों को कम और सीधे साधे लोगों को ज्यादा मारा है। ऐसा ही होता है टॉनी भाई जब बुरा आदमी तो अच्छा करने जाता है ना तब ऐसा ही होता है। ओहो भाई साहब ये तो एम्बेसिडर को बदनाम करके रहेंगे। अरे ओ माय गॉड लगता है बुलेट प्रूफ गाड़ी थी इनकी। और ये रही हमें मुर खटारा चला गवर्नमेंट भी ना कोई विचारिश नहीं करते। अरे यार ये तो सारा हाथ मीच नहीं आ रहा है बंदा प्रो है लेकिन अपुन से तो नहीं और उसको है ना दोस्तों अपुन ने ड्राइविंग सिखाई है तो साला थोड़ा शानपट्टी दिखा रहा है कुछ नहीं जैसा। हाँ बस चलो बेटा ऊपर जाने का समय आ गया है तुम्हारा चलो। अरे मैया बचाओ। अभी मुन्ना तू गड्ढे में बैठेगा या मैं मेरी भाषा में तेरे को समझाऊ। अरे नहीं नहीं साहब मैं बैठा है ना काय को टेंशन लेते हो आप। अरे टॉनी सर क्या कर रहे हो चलो इधर से ये पैंटी गैंग है ना बहुत ही खतरनाक है। अरे खतरनाक होंगे इनके घर सालों को पता नहीं है कि ये पुलिस वाला भी एक टाइम गुंडा था और इनका बाप था। आ जाओ बे भोसड़ी वालो तुम कितने भी कुत्ते हो शेर अकेला ही लड़ता है। अच्छा मायला अरे हरने तो माला बाहर काढून लाई मारता है रे राव ये। ए बेटा पैंटी गैंग से मस्करी नहीं रे। चल भाड़ में जा बे साले तुम्हारे पैंटी गैंग और तुम भी। और भेंचो दे साला कैसा नाम रखा है बे इन्होंने पैंटी गैंग। भाई वैसे बाल बाल बच गए मैं भी पतली गले से निकल के। साहब जी वैसे मैं भी बोल रहा था ना कि इधर से निकलो ये पैंटी गैंग वाले ना बहुत ही जबरदस्त है। वैसे ही इस प्रकार दोस्तों सभी जुल्मी कैदियों को मैंने फिर से कैद कर लिया और इसी तरह मेरा पुलिस का जॉब भी पूरा हो गया। अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइम।
सो है गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।